पल्ले गांव में आज भी गटारे साफ करने का काम दलित लोग ही करते हैं। बाजार के दूसरे दिन जो सब्जी सड़ी हुई गंदगी होती है वो भी ये लोग हाथों से उठाते हैं। एक गांव में स्वच्छता का तो काम करते हैं, इसके कारण गांव के लोग तो खुश है, मगर इनके आरोग्य पे कोई ध्यान नहीं देता। ये लोग खुले आँख नाक और मुंह से और हाथों से गंदगी निकालने के लिए मजबूर है, और इन्हें नहीं कुछ साधन आधुनिक सामग्री मिल पा रही है, और ज़्यादा बीमार होने पर इलाज करने के लिए इनके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है। तुम्हाले हे काम करता नी ग्राम पंचायत तर्फे काय हात मोजे काय मिळतात का पाय नाही बूट नाही हात मोजे नाही काय नाही तोंडाला बांधाय बर्फ नाही काय नाही काय नाही हात धुवाय साबण नाही तो काय नाही कुठली गोष्ट नाही फक्त काम करा एवढंच बाकी काय नाही। आणि सगळे म्हणजे ही सगळी सांडासाची घाण सगळी गाठ राहते, त्याच्यामुळे ही दगड पाडला तर तो हाताने काढावा लागतो किंवा हाती। त्याच्यामुळे तुम्हाला मग त्याची घाण वाटते का? मग घाण वाटून काय करता पोटाच्या आगीला? तुमची जात कुठली आहे? हरिजन महाराज, हिंदू महाराज। तुम्ही दुसरं काम काय करता का? काहीच करता? दुसरं नाही काय। ह्या कामामुळे तुम्ही तुमच्या मनात कधी स्वतःला कमी समजता का, म्हणजे दुसऱ्या माणसांच्या तुलनेत? कमी समजून आता पोटाच्या आगीला काय करायचं? ए लोग कहते हैं जब काम करते हैं तो कुछ लोग हंसते हैं तो कुछ देख के थुक्के जाते हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि हमने ही ये गंदगी की है। मांगने है कि आता प्रत्येक मीटिंग ला मांगने नहीं मिलत का मंकी? मैं चाहती हूँ ग्राम पंचायत उनके बचाव के लिए कुछ आधुनिक सामग्री दे, जिसके कारण वो ये काम तो करे मगर अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। मैं रोहिणी पवार, महाराष्ट्र राज्य के वल्हे गांव से, इंडिया अनहड़ के लिए।